डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए। सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में अभी एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन के इस चैप्टर में जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, वो एसीटोन के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले दिन में हम लोग ने एसीटोन का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में पढ़ा, एसीटोन का क्या गुण है इसके बारे में पढ़ा। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं एसीटोन के अभिक्रिया के बारे में। तो टॉपिक लिया जाए एसीटोन के अभिक्रिया, एसीटोन के अभिक्रिया। ठीक है, एसीटोन के अभिक्रिया के बारे में। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि एसीटोन मेरा फिक्स है, इसके साथ हम लोग अभिक्रिया पढ़ेंगे। अभिक्रिया का मतलब एसीटोन मेरा फिक्स रहेगा और इस एसीटोन के साथ हम लोग तरह तरह के अभिक्रिया को करेंगे। यानी एसीटोन मेरा फिक्स है, इसके साथ जिस जिस यौगिक के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को क्या क्या बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन के साथ, यानी कि नंबर ए में लिखा जाए ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। पहला क्या है? ऑक्सीजन के साथ। उसके नीचे एरो दिया जाए, लिखेंगे जब एसीटोन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। ऑक्सीजन के साथ मतलब O2, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या होता है? O2 ना। जब एसीटोन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। एसिटिक अम्ल पाया जाता है। किस में पाया जाता है दोस्त? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल का फार्मूला CH3COOH। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एसिटिक अम्ल का फार्मूला होता है CH3COOH। तो ध्यान रहे, जब एसीटोन को ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान रहे एसिटिक अम्ल बनता है। अब जरा इसके नीचे रिएक्शन लिख लेते हैं। तो सबसे पहले एसीटोन क्या है? तो एसीटोन का फार्मूला होता है CH3 और इस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, एसीटोन, ये एसीटोन है। एसीटोन को ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन बोले तो O2, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा? तो इस ऑक्सीजन के साथ अगर करेंगे तो एसिटिक अम्ल बनेगा, मतलब CH3COOH। ठीक है, CH3COOH प्लस प्लस कार्बन प्लस वाटर। ठीक है, इस तरीके से अम्ल को बनता है। यानी ये मेरा मेन प्रोडक्ट है जिसको एसिटिक अम्ल कहते हैं। उसका फार्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक अम्ल का फार्मूला है, प्लस में कार्बन प्लस में वाटर। ये हम लोगों को बनता है कब? जब एसीटोन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब। ठीक है, चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ। यानी पहला था ये ऑक्सीजन के साथ, अब लिखा जाए बी, नंबर बी में लिखा जाए क्लोरोफॉर्म के साथ। क्लोरोफॉर्म के साथ, ठीक है, दूसरा कौन सा रिएक्शन है? दूसरा है हम लोगों को क्लोरोफॉर्म। ठीक है, याद रहे पहला हम लोग ऑक्सीजन के साथ देखें, दूसरा हम लोग क्लोरोफॉर्म के साथ देखेंगे कि क्या होगा जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराएंगे। ठीक है, तो लिखा जाए इसके नेक्स्ट एरो में, जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जब
एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्लोरेटोन, ध्यान दीजिएगा इसका नाम क्या है, क्लोरेटोन। अब ये क्लोरोटोन का फार्मूला क्या होता है, तो क्लोरेटोन का फार्मूला होता है इस कार्बन से दोनों तरफ CH3, ठीक है, और एक तरफ OH और एक तरफ CCl3, यहाँ OH, तब हम इसको बोलते हैं कौन सा, क्लोरेटोन। तो याद रखिएगा ये क्लोरेटोन कब बनता है, जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, याद रहे क्लोरोफॉर्म के साथ, यानी कि जब एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरेटोन। और ये क्लोरेटोन का फार्मूला क्या होता है, तो एक कार्बन से दोनों तरफ मिथाइल जुड़ा रहेगा और एक तरफ OH और CCl3। दोस्तों रिएक्शन को आपको याद रखना ही पड़ेगा फार्मूला के साथ। चलिए इसका देख लेते हैं कि कैसे बनता है। तो अभी हम लोग देखें एसीटोन, तो एसीटोन का फार्मूला CH3 CO CH3, ये रहा हम लोगों का एसीटोन। और इस एसीटोन के साथ क्लोरोफॉर्म, ध्यान दीजिए दोस्तों हम लोग क्लोरोफॉर्म पढ़े हुए हैं पीछे, ठीक है, ये अल्कोहल फिनॉल और नहीं, ये हेलो एल्केन हेलो बेंजीन जब हम लोग पढ़ रहे थे वहाँ पे क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ा है कि CH3 ये फार्मूला होता है क्लोरोफॉर्म का, ठीक है। और जब हम लोग एसीटोन को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो हम लोगों को क्या बन रहा है, तो एक कार्बन से दो CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे हम लोगों को जुड़ रहा है OH हाइड्रोक्सिल समूह, और यहाँ पे जुड़ रहा है CCl3, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरेटोन, ठीक है। चलिए तो क्लोरेटोन बनता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जिसका नाम है अमोनिया, ठीक है। चलिए सी नंबर में लिखा जाए, सी नंबर में अमोनिया के साथ, यानी कि हम ये बात बता रहे हैं कि अभी हम लोगों का ये फिक्स है, एसीटोन फिक्स है, अब एसीटोन के साथ किसका रिएक्शन देखेंगे, तो अमोनिया का, ठीक है, यानी एसीटोन फिक्स है, अब एसीटोन का अमोनिया के साथ हम लोग रिएक्शन देखेंगे कि क्या बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या बनेगा, तो लिखा जाए अमोनिया के साथ, उसके नीचे एरो देंगे, लिखेंगे जब एसीटोन को अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, जब एसीटोन को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो डाई एसीटोन एमीन का निर्माण होता है, डाई एसीटोन एमीन, डाई एसीटोन एमीन का निर्माण होता है, डाई एसीटोन एमीन। चलिए देखते हैं सबसे पहले एसीटोन, तो एसीटोन का फार्मूला क्या होता है, तो CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, ये रहा हम लोगों का एसीटोन। इसके साथ दोस्तों अमोनिया का रिएक्शन, अमोनिया का फार्मूला NH3, बनेगा क्या, डाई एसीटोन
अमीन, तो डाई एसीटोन अमीन बनता है। तो अब डाई एसीटोन का मतलब क्या कि एसीटोन दो ठो रहना चाहिए, तो इसीलिए इसको संतुलित करने के लिए पूरा को टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे कैसे बन पा रहा होगा, तो डाई एसीटोन एमिन है तो सी पे जोड़ दिया ऊपर NH2, और एक इधर CH3, नीचे भी CH3, फिर CH2 कार्बन डबल बॉन्ड CH3, और बाद बाकी वाटर बाहर निकलेगा। तो हम लोग इसी को बोलते हैं दोस्तों डाई एसीटोन एमीन। ठीक है, यानी कि इसमें कितने एसीटोन बन रहे, तो दो एसीटोन बन रहे, इसीलिए इसको डाई एसीटोन एमीन कहा गया। NH2 जुड़ा हुआ है ना, तो एमीन। यानी कि सबसे पहले NH3 का मतलब समझना है अमोनिया होता है, और एमीन का फार्मूला होता है NH2, तो दोनों में अंतर है दोस्तों। ठीक है, ये बात बिल्कुल गौर कीजिएगा कि अमोनिया बोलेगा तो NH3 और एमीन बोलेगा तो NH2। ठीक है, चलिए तो हम लोग अभी रिएक्शन क्या देख रहे थे कि जब एसीटोन को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो डाई एसीटोन एमीन, ये डाई एसीटोन एमीन है, उसके साथ प्लस H2O बाहर हो जाता है प्रतिफल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, ये था सी नंबर। डी नंबर में लिखेंगे आयोडीन के साथ, आयोडीन, ध्यान दीजिएगा आयोडीन भी I2 के फॉर्म में होता है। ठीक है, I2, I मतलब आयोडीन, और हमेशा वो 2 के फॉर्म में रहता है, तो आयोडीन के साथ लिखा जाए, जब एसीटोन को आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो आयोडोफ क्या लिखें, जब एसीटोन को आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो आयोडो फॉर्म का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा किसका निर्माण होता है, आयोडो फॉर्म, फार्मूला CH I3, ये हो गया हम लोगों का आयोडो फॉर्म। तो आयोडो फॉर्म का निर्माण होता है, तो आयोडो फॉर्म का निर्माण कब होता है, जब एसीटोन को आयोडीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब। जरा रिएक्शन देख लेते हैं, तो एसीटोन तो फिक्स है मेरा CH3, सी डबल बॉन्ड ओ CH3, इसके साथ हम लोग किसका अभिक्रिया, आयोडीन, आयोडीन का मतलब I2। ठीक है, आयोडीन का मतलब I2, हम लोगों को बनेगा क्या क्या, तो CH I3। ठीक है, CH I3, ये तो हम लोगों को बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब बाद बाकी इसी इसी को बोलते हैं हम लोग आयोडो फॉर्म, आयोडो फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे I3 हो गया, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर एक नहीं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, संतुलित करने के लिए। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो 3 आयोडीन बच रहा है, 3 आयोडीन बच रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हम लोगों को ये बिल्कुल करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम लोगों को बाद बाकी क्या बाहर होगा, तो C2H5O, ये हम लोगों को बाहर हो जाएगा। ठीक है, C2H5O, यानी कि ऑक्सी एथेन। ठीक है, ऑक्सी एथेन हम लोगों का बाहर हो जाएगा, जो हमारे लिए मेन प्रोडक्ट के रूप में नहीं है। तो आयोडो फॉर्म का निर्माण कब होता है, जब एसीटोन को आयोडीन के साथ, आयोडीन मतलब याद रखिएगा I2। ठीक है, तो ये अभी सारा हम लोग किए, वो चार तरीके का एसीटोन के साथ अभिक्रिया देखें कि एसीटोन मेरा फिक्स रहेगा, अगर चार अलग अलग तत्व के साथ इनका रिएक्शन करेंगे तो किस तरीके का प्रोडक्ट हम लोगों का बनेगा।
चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि एसीटोन का उपयोग कहाँ कहाँ है। तो एसीटोन का उपयोग अब टॉपिक बनाएंगे, एसीटोन का उपयोग लिखा जाए उसके नीचे फर्स्ट एरो देकर। एसीटोन के उपयोग निम्नलिखित है, एसीटोन के उपयोग निम्नलिखित है। पहला पहला इससे क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनाए जाते हैं। इससे क्लोरोफॉर्म या आयोडोफॉर्म बनाए जाते हैं। दूसरा, यह दवा के रूप में भी प्रयुक्त तो होता है। यह दवा यानी कि मेडिसिन, यह दवा के रूप में भी, दूसरा लिख रहे हैं ना, दूसरा उपयोग, यह दवा के रूप में भी, यह मतलब कौन, एसीटोन, ठीक है, यह दवा के रूप में भी प्रयुक्त होता है। प्रयुक्त होता है का मतलब प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फिर लिखिएगा तीसरा उपयोग, इसका व्यवहार विलायक के रूप में होता है, विलायक के रूप में होता है। चौथा लिखिएगा, नाखून पॉलिश के रूप में एसीटोन का प्रयोग किया जाता है। नाखून पॉलिश के रूप में एसीटोन का व्यवहार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो एसीटोन का हम लोग उपयोग लिखें, तो पहला उपयोग तो ये हुआ कि इसका यूज करके आयोडोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म बनाए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यह दवा के रूप में भी एसीटोन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, कि यह विलायक के रूप में, मान लिया कि कोई भी यौगिक किसी भी विलयन में अगर नहीं घुल रहा है, तो हम अगर उसमें एसीटोन की मात्रा डाल दें तो वह एक विलायक का काम करने लगता है, वह घोल देता है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि अगर पानी में अगर बालू का कण नहीं अगर घुलता है तो इसको घुला देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। उसी को घुला पाएगा जो घुलने योग्य होगा, लेकिन उसमें एसीटोन की मात्रा मिलाया जाना पड़ेगा, तभी वो एक विलायक की तरह काम करेगा। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आखिर एसीटोन का मुख्य व्यवहार कहाँ करते हैं, तो घर में जो लेडीज लोग होंगे उनका नेल नेल पेंट यानी कि नेल पॉलिश जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो नेल पॉलिश जो है के रूप में एसीटोन का यूज किया जाता है। ये इसीलिए दोस्तों जब नाखून पे उसको लगाते हैं पेंट को, तो थोड़ा सा ठंडक महसूस होता है, क्यों, क्योंकि उसमें एसीटोन की मात्रा है, ठीक है। तो अभी हम लोग एसीटोन से जुड़े सभी चीज़ों को डिस्कस किए कि क्या होता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट चीज़ सीखते हैं जिसका नाम है बहुलीकरण, दैट इज़ अ VVI पॉइंट, ठीक है, ये पूछता ही पूछता है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखा जाए बहुलीकरण, ठीक है, ये VVI पॉइंट है, इसको कर लीजिएगा बहुलीकरण। अब बहुलीकरण किसको कहेंगे, ज़रा सबसे इम्पोर्टेंट समझने वाला बात है कि बहुलीकरण क्या है। चलिए बहुलीकरण को समझने से पहले कुछ बात को लिख लिया जाए, फिर हम लोग समझते हैं। लिखा जाए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अणु आपस में संयुक्त होकर, आपस में संयुक्त, संयुक्त का मतलब मिलजुल कर या एक साथ मिलाकर, संयुक्त होकर एक नए संकर यौगिक, एक नए संकर यौगिक, बताते हैं ये संकर यौगिक क्या है, एक नए संकर यौगिक का निर्माण करते हैं।
यह बहुलीकरण कहलाता है। यह बहुलीकरण कहलाता है। चलिए तो हम लोग बहुलीकरण, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्लास जो एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन, क्या बहुलीकरण और संघनन से क्या समझते हैं। तो बहुलीकरण किसको कहेंगे दोस्तों? बहुलीकरण का मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या हो, तो जिसमें दो या दो से अधिक अणु आपस में संयुक्त होकर, संयुक्त का मतलब मिलकर, आपस में मिलकर एक नया संकर यौगिक का निर्माण करता है। अब संकर यौगिक समझ नहीं आ रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में संकर यौगिक को, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लिया कि ये एन है, एन का मतलब नंबर ऑफ, जितना 1 2 3, और एक R रहेगा और यहाँ पे एक CHO रहेगा, मतलब एल्डिहाइड की कैटेगरी में आता है। तो अगर ये पूरा जो ब्रैकेट है CHO, इसी को अगर इस फॉर्म में N लिख लेंगे तभी ये कहलाएगा संकर यौगिक, ठीक है। जैसे इसका और भी एग्जांपल, जैसे मान लिया कि 3 है, C2H5 और CHO है, CHO है, तो हम लोगों को क्या बनेगा? यहाँ पे देख पा रहे होंगे C2H5 है, तो ये R के जगह पे ना है, CHO तो CHO है, यहाँ N के जगह पे 3 है, तो यहाँ पे रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो यहाँ पे है RCHO है, तो RCHO रखिए, मतलब C2H5 CHO ये रखना है, ठीक है। ये रख दिया, उसके बाद हॉल, हॉल के बाहर 3 था तो उसके नीचे 3 दे दिया। तो ये कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो बहुलीकरण का डेफिनेशन था, बहुलीकरण का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट टॉपिक संघनन के बारे में, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? संघनन। और संघनन भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछता है कि संघनन से आप क्या समझते हैं, आखिर संघनन क्या है। तो लिखेंगे उसके नीचे, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही यौगिक या भिन्न यौगिक के या भिन्न यौगिक के एक या एक से अधिक अणु एक या एक से अधिक अणु संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया संघनन कहलाता है। यह प्रक्रिया संघनन कहलाता है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे होंगे कि संघनन किसको कहते हैं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक ही यौगिक या एक से अधिक अणु संयुक्त होकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो उस रासायनिक अभिक्रिया को संघनन अभिक्रिया कहेंगे जिसमें एक या एक से अधिक कोई भी यौगिक हो, अगर आपस में संयुक्त हो गए तो यह एक यौगिक का निर्माण करते हैं। मतलब ये कि संघनन मेरा ऑल सभी रिएक्शन है, क्योंकि सभी रिएक्शन का अगर बात करें तो यौगिक आने के एक या एक से अधिक अणु संयुक्त होकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका एग्जाम्पल, उस तरीके का कुछ खास एग्जाम्पल नहीं है, नहीं तो हम आपको देकर समझा ही देते हैं, लेकिन ये आपको समझने वाला खुद से चीज़ है कि
रासायनिक अभिक्रिया में संघनन तभी कहलाएगी जब एक ही यौगिक अलग अलग भिन्न यौगिक के साथ संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करता है, वह एक संघनन कहलाता है। दोस्तों आज हम लोग संघनन तक के पढ़े, आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले दिन हम लोग एक एल्डिहाइड के कैटेगरी को पढ़ेंगे जिसका नाम है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम है उसका? बेंजल्डिहाइड। तो इसलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।